रायबरेली पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे में एक से एक राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में चौथे चरण के मतदान को लेकर दिग्गज नेताओं ने आज सोमवार को ऊंचाहार विधानसभा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, मैंने पहला, दूसरा व तीसरे चरण का मतदान देखा। तीनों चरणों में समाजवादी पार्टी जीत रही है। लखनऊ में एक सम्मानित अखबार ने योगी का नाम बदलकर बुलडोजर बाबा रख दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर पहुंचा हर विधानसभा में ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जाएगा व पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। योगी सरकार सिर्फ मार्च तक मुफ्त में राशन देगी, किंतु समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे 5 साल गरीबों को मुफ्त में राशन देगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। अंशु श्रीवास्तव, जिला संवाददाता, अंशु श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो, रायबरेली।